हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, जो ये प्रोडक्ट ज़्यादातर उनके लिए अच्छा होगा जो स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो उनके पीठ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी बैग रहता है जो उनको कैरी करने में दिक्कत होता है। साइकिल से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने देखा है अपना, मैंने खुद भी किया है तो मुझे पता है वो बैग कितना भारी होता है। तो उसे ट्रैवल करते हैं और पेट्रोल का प्राइस जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन में काम करते हो तो आपका पेट्रोल का भी खर्चा उठा के अपना मतलब जुगाड़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप अगर कोई डिलीवरी बॉय हो, आप ऐसे टाइप का काम करते हो, कुछ भारी सामान अपने कंधे पे उठा के लेके जाते हो, तो ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, इसको लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये प्रोडक्ट में खास बात क्या है, वो सब कुछ डिटेल आज मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताने। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ बालीगंज फाड़ी। ये आप अगर कोलकाता से हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगा, तो आप उधर से चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो वीडियो है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस है। लाइक इस वीडियो के मदद से आप जान सकते हो कौन सा शोरूम अभी कोलकाता में इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि मेरा वीडियो देख के आप कोई प्रोडक्ट खरीद लो या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो। अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने के से पहले आप खुद का एक रिसर्च कर लेना, वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कस्टमर रिव्यू कितना अच्छा है, वो प्रोडक्ट कितने दिन से मार्केट में है, इस सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो सब सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना। और दोस्तों, मेरा नाम है शोभू, आप लोग देख रहे हो कोलकाता सिटी, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जहाँ आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्विस कैसे कर सकते हो, और आप कोई स्कूटी लेने का सोच रहे हो वो स्कूटी आप कैसे ले सकते हो, स्कूटी का फीचर्स क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाता है। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ज़्यादा बकबक ना करते हैं, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो सर, मैं आपके सामने एक गाड़ी देख पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में हमें डिटेल में बता सकते हो? हाँ, ये जो गाड़ी है हमारी हयासा कंपनी से है। हयासा कंपनी जो है नासिक में है, नासिक में हमारा फैक्ट्री है जो 100 एकड़ लैंड में फैली हुई है, और हयासा कंपनी जो है ऑलरेडी 160 डीलर अपॉइंट कर चुका है ऑल ओवर इंडिया, और अभी वी आर स्टिल अपॉइंटिंग मोर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल अक्रॉस टू कवर पैन इंडिया। और ये वाली जो मॉडल है ये निर्भर मॉडल है हमारा, ये निर्भर मॉडल जो है ये सिर्फ येलो कलर में आती है, और ये बेसिकली टारगेट हम जो कर रहे हैं इसका टारगेट टू मार्केट फॉर दी जोमेटो, स्विगी एंड ये जो होम डिलीवरीज हो रही है उसके लिए हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं इस गाड़ी के लिए। इसीलिए इसमें एक कैरियर दिया हुआ है पीछे, ये कैरियर हम नहीं चाहिए तो वी कैन जस्ट टेक इट आउट, एंड ये सीट की तरह भी काम कर सकता है, पीछे भी एक सीट है, और किसी को कैरी करना है तो ये लगाने के बाद यू दे कैन कैरी थिंग्स ऑन दिस, एंड इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है 200 kg तक ये गाड़ी खींच सकती है। ये इसकी जो बॉडी है ये कम्प्लीटली हाई डेंसिटी फाइबर ग्लास बॉडी है इसमें, सो इट इज़ कम्प्लीटली करोशन प्रूफ एंड हाई डेंसिटी फाइबर ग्लास है, और इसके अंदर जितने भी लाइट्स आप देख रहे हैं वो सारे LED लाइट्स हैं, एंटायरली इट इज़ LED लाइट्स। ये अभी जो है इसका जो लाइट इंडिकेशंस मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली देख लीजिए, इधर इसका क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार देख लीजिए। इसके अंदर जैसे ही मैं ये वाला ऑन करता हूँ तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरह से दिखता है, नाउ इट इज़ रेडी टू गो। इसके अंदर जैसे ही मैं, इसके अंदर तीन मोड है, जैसे मोड 1, मोड 2, मोड 3। तो मोड 1 जो है इसका इको मोड है, मोड 2 इज टर्बो मोड, एंड मोड 3 इज योर स्पोर्ट मोड। ये जो मोड 1 में ये जो गाड़ी चलेगी, देखिए स्पीडोमीटर देखिए आप, ये गाड़ी अप टू 27 किलोमीटर प्रति
पर आवर के स्पीड से चल रहा है और पीछे व्हील स्पिन हो रहा है, ठीक है, ये है इको मोड में। और जैसे ही मैं इसको स्विच करता हूँ टर्बो मोड में, इसका स्पीड बढ़ के चला जाता है अप टू 36 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड पे चले जाते हो इसका स्पीड हो जाता है अप टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मैक्सिमम स्पीड है। और यहाँ पे आपको बैटरी डिस्प्ले भी दिखा रहा है, ये जो रेड लाइट है ये 25% बैटरी चार्ज है, ये 50%, ये 75%, और एक दाग इधर जो दिखेगा वो भी अगर है तो इसका 100% चार्ज है आपका। एक 100% चार्ज में ये गाड़ी 90 किलोमीटर चलता है, और ये गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी है, और एक फुल चार्ज करने में 2 यूनिट का बिजली खर्च होगा। 2 यूनिट मतलब 15 से 20 रुपए में ये गाड़ी 90 किलोमीटर तक चलेगा, और इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है। अब आपको लाइट्स में दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका, ये हेडलाइट देखिए आपका एलईडी लाइट है, इसका फुल एलईडी लाइट, और आपका ये इंडिकेटर इधर का ये भी एलईडी है, ये एलईडी है, इंडिकेटर लाइट है आपका। यहाँ पे ये देखिए आपका दोनों तरफ ये अपर डिपर हो गया आपका, ये, और यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टार्ट होने की वजह से दोनों ही तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आपका हॉर्न है, ये हाथ पे भी हॉर्न है, ये हाथ पे भी हॉर्न है, दोनों तरफ से आप हॉर्न बजा सकते हैं। और हर स्कूटर के साथ आपको दो रिमोट और 2 चाबियां मिलती हैं, ठीक है। और ये हाई सिक्योरिटी वाली चाबी है जिसमें गियर लीवर जो है अंदर की तरफ है, जो हाई एंड गाड़ियों में आपको ये देखने को मिलता है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जैसे एज अ स्टैंडर्ड फिटिंग आप देखेंगे कि इसमें सामने का ये बास्केट भी साथ में आता है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फिटिंग, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो पीछे का कैरियर है ये भी आपको साथ में आता है फ्री में, सो इट इज अप टू यू, आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते इसको। ये वाला जो फीचर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कीलेस भी चल सकती है गाड़ी, जो नॉर्मली फीचर्स आप देख रहे हैं हाई एंड कार में होता है, वो एक ये फीचर है कि इसमें ये बिना की आपके जेब में है तो भी ये गाड़ी चला सकते हैं। आपको देखिए सिर्फ ये आप जैसे ही ऑन कर दिए रिमोट से ये ऑन हो गया, चाबी मेरे हाथ में है, मैंने चाबी लगाई नहीं, इसको कीलेस ऑपरेशन बोलते हैं, इससे भी आपका गाड़ी चलने शुरू हो गया, ठीक है। अभी जैसे आपने ये बिना की का चलाया गाड़ी, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे हुक दिया हुआ है जिसमें आप हाउस होल्ड थिंग्स जो आप खरीदते हैं वो सब यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक सिलेंडर रख सकते हैं, या तो एक बस्ता भी 50-60 किलो का रख सकते हैं, और यहाँ से आपका जब गाड़ी में बैटरी फिटेड है तो आप बैटरी यहाँ से चार्ज कर सकते हो ये पॉइंट से। और अगर आपको घर लेके जाके बैटरी चार्ज करना है तो आप जस्ट इसको सीट को ऐसे खोल के इसको डिस्कनेक्ट करोगे ऐसे, और ये लेके जाके आप घर में, अगर समझ लीजिए आपका थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में है तो आप ऐसे करके चार्ज कर सकते हो घर लेके जाके। तो ये अपना जो कंप्यूटर का जो पॉइंट है वैसे ही पावर पॉइंट सेम वैसे ही है, तो दोनों तरफ आप गाड़ी के अंदर भी चार्ज कर सकते हो या गाड़ी से निकाल के भी बाहर चार्ज कर सकते हो, ये एक बेसिक फीचर है। और इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप देखोगे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेन के आपको ये MCB दिया हुआ है इधर। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने 15 किलोमीटर चलाया, बाद में हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, वापस जब आके देखते हैं कि तो बैटरी ड्रेन हो गया। वो तो ऐसे ही हो गया कि आप मोबाइल को फुल चार्ज करके आप छोड़ दो तो वो तो वैसे ही डाउन हो जाएगा बैटरी। इसमें ये फीचर दिया है, अगर इसको बंद करके आप एक महीने के बाद भी वापस आते हो, ऑन करने के बाद देखोगे कि पूरा का पूरा आपका जो चार्ज है वैसे ही जो बचा हुआ है वो है, वो ड्रेन नहीं हुआ है। इसके अंदर बेसिकली BLDC मोटर है जिसको बोलते हैं ब्रशलेस DC मोटर। ये 1000 वाट का मोटर है इसके अंदर, और इसके अंदर 2 शॉक अब्जर्वर है। आप देख सकते हैं जैसे बाइक में 2 शॉक अब्जर्वर है, ऐसे 2 शॉकर है इसके अंदर, और इसमें पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक है, राइट। और पीछे जो भी बंदा बैठेगा उसके लिए फुटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और बाइक के जैसे 2 शॉकर है इसमें, और 2 सीट भी है आगे पीछे बैठने के लिए, और फुटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटर स्टैंड भी है, साइड स्टैंड भी है। और ये हमारा कॉमन फीचर ऐसा है कि हमारे जितने भी स्कूटर हैं सब ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं, इसमें या तो C8 या तो MRF टायर्स यही यूज़ करते हैं हम। इसके अंदर पूरा जो है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी शायद मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 200 किलो है। ये जो सामने आप सस्पेंशन देख रहे हैं ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और पीछे जो सस्पेंशन है वो गैस फिल्ड स्प्रिंग असिस्टेड सस्पेंशन है। और यहाँ पे ये आप ये जो मोटर देख रहे हो ये IP65 है, तो इसमें किसी डायरेक्शन से भी पानी घुस नहीं सकता, आप वाटर लॉगिंग में भी चला सकते हो इस गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा ये गाड़ी चल रहा था अभी, मैं यहाँ पे अभी इसको पार्किंग किया हूँ, अभी मैं इसको लॉक कर दिया। अब देखेंगे जैसे कोई चोरी करने आता है, जैसे वो हाथ लगाएगा देखेंगे आप हेडलाइट जल गया वहाँ पे और एक आवाज़ दे रहा है, ये अलार्म दे रहा है। जैसे ही थोड़ा हार्ड ट्राई करेगा इमीडिएटली वो पूरी तरह से अपने आप को लॉक कर लेगा, और आप देखेंगे कि चक्का ब्लॉक हो गया, चक्का भी घूम नहीं रहा है देखिए। तो अगर किसी को धक्का मार के भी लेके जाना होगा तो वो धक्का मार के भी लेके नहीं जा सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी फीचर है जो नॉर्मली देखा जाए कि गाड़ियों में किसी में भी नहीं होता है। दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
देखिए ये हमारी जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी है, ये आप निकाल के देख सकते हो, ये दिस इज द बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरी है एंड दिस कम्स विद कंप्लीट मेटल एनक्लोजर, आप देख सकते हो मेटल एनक्लोजर में है पूरा बॉडी और इसके अंदर एक फोल्डेबल हैंडल भी साथ में आता है। ये बैटरी जो है आपका एक चार्ज करने में 3.5 घंटा लगता है, 3.5 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाता है और एक फुल चार्ज करने में 2 यूनिट बिजली खर्च होता है जो अराउंड 15 से 20 रुपए का पड़ेगा और इसको फुल चार्ज करने के बाद ये 90 किलोमीटर तक चलेगा। और इसको चार्ज करने के लिए ये आपका ये चार्जर है, ये चार्जर है, इसका जो पॉइंट है जहां वो मोबाइल चार्ज होता है 5 एम्पियर का सॉकेट उसी में ये लग जाता है और यहां पे आपको इंडिकेट करता है कितना परसेंटेज पे ये चार्ज हो रहा है। एक बार 100% तक चार्ज हो जाता है तो ये बैटरी फुली चार्ज हो गया। और इस तरफ देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे डायरेक्टली लग जाएगा या फिर गाड़ी के अंदर चार्ज करते हो तो ये पॉइंट पे लग जा रहा है यहाँ पे। और बेसिकली ये बैटरी का वारंटी हम दे रहे हैं 3 साल, 3 साल इसकी लाइफ है एंड वी आर गिविंग कंप्लीट स्कूटर और बैटरी सब मिला के हम इसके ऊपर 3 साल का वारंटी देते हैं। और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो बैटरी या गाड़ी का तो हम लोग इसको रिपेयर या रिप्लेस कर देंगे। एक्सीडेंटल डैमेज इज नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। ये 60 वोल्ट का बैटरी है और 23 एम्पियर इसका करंट है, करंट रेटिंग 23 एम्पियर 60 वोल्ट का बैटरी है। सर ये बैटरी के साथ अगर कस्टमर और एक बैटरी खरीदना चाहे तो वो पॉसिबल है क्या? यस इट इज पॉसिबल। अगर कोई कस्टमर का रनिंग बहुत ज्यादा है और वो डिलीवरीज के लिए ये गाड़ी यूज करना चाहता है तो दूसरा और एक स्पेयर बैटरी खरीद के वो अपना घर पे रख सकता है या ऑफिस में रख सकता है। एक बैटरी जो चार्ज हुआ है वो गाड़ी में लगा के वो 90 किलोमीटर करने के बाद वापस आके दूसरा जो फुल चार्ज हुआ है वो बैटरी को इसके साथ डाल के उसको वापस चार्जिंग पे लगा के ये गाड़ी को वो 24 आवर्स चला सकता है। इसके अलावा ये निर्भर मॉडल बताया था, इसके अलावा हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो है ईरा मॉडल। ये ईरा मॉडल जो है इट इज अ लुक अलाइक ऑफ वेस्पा, जो वेस्पा पेट्रोल में आप देखते हैं उसी मॉडल का लुक अलाइक है। इसमें जो है 1000 वॉट का मोटर है और बैटरी जो है वो 60 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी है। इसमें भी वही 90 किलोमीटर चलता है। इसके अंदर 3 कलर आता है, रेड कलर, जो ये कलर है रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर में आता है, इसके 3 कलर होते हैं। और इसके बाद और एक मॉडल है, इसको हम दक्षा मॉडल बोलते हैं। ये दक्षा मॉडल काफी फैंसी मॉडल है, इसके अंदर भी 3 कलर आते हैं। इसमें भी आपका जो बैटरी है वो 60 वोल्ट और 30 एम्पियर का बैटरी है। इसके अंदर व्हाइट, रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, ब्लू, कंप्लीटली ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। और वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे और एक है जिसमें ब्लैक, व्हाइट और ऑरेंज, तो 3 कलर में ये वाला गाड़ी आती है दक्षा मॉडल। और अपार्ट हमारा हाई एंड जो मॉडल है वो ओजस मॉडल है, इसके अंदर 1200 वोल्ट का बैटरी, 1200 वोल्ट का मोटर लगा हुआ है और इसका आपका बैटरी भी 60 वोल्ट 30 एम्पियर का ही है, बट इसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर, भले ये सारे लो स्पीड गाड़ियां हो ये वाली स्कूटर आपका 60 किलोमीटर तक चला जाएगा और बाकी सब स्कूटर आपका 50 किलोमीटर तक जाएगा। निर्भर को छोड़ के ईरा दक्षा में जो है वो आपका फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, सारे फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और दक्षा अगर आप ओजस को देखेंगे, ओजस में आपका फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक आता है, दोनों आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फीचर है, दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स है। और ये वाली जो है आपका ये फोल्डेबल, जैसे उसमें हुक फिक्स था इसमें फोल्डेबल हुक है यहाँ पे। और सारी गाड़ियों में हमारा बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स है, यहाँ से आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, मतलब फोन चार्ज कर सकते हो आप। और सारों में ये फैसिलिटी है हमारा। और आप देख सकते हो कि हमारा लेग स्पेस देखिए, रूम कितना सारा लेग स्पेस है देखिए, आप आराम से यहाँ पे एक सिलेंडर या फिर 2 बस्ता सीमेंट लेके जा सकते हो इस गाड़ी में। ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है बाइक, ये इसका नाम है विजय 2000। ये विजय 2000 जो है इट कम्स विथ 72 वोल्ट 40 एम्पियर बैटरी और इसका रेंज है एक चार्ज पे 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी जो बाइक है। अभी कुछ ही दिनों में हमारे पास डिस्प्ले पे भी आ जाएगी ये गाड़ी और आप इसको टेस्ट राइड कर सकते हो। हमारे पास टेस्ट राइड गाड़ियां अवेलेबल है, आप हमारे शोरूम पे आइए एंड यू कैन हैव अ फ्री टेस्ट राइड। अगर इस हमारे कंपनी के बारे में और डिटेल्स आपको चाहिए होंगे तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, फोन नंबर, ईमेल, सारा कुछ दिया हुआ है, या तो हमारा वेबसाइट hayasaev.com पे आप विजिट करके पूरा डिटेल आप ले सकते हो। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्टर डेविड है और मैं हयासा ई मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हूँ और मेरा डेजिग्नेशन है रीजनल सेल्स हेड ईस्टर्न जोन। आप इस शोरूम का एड्रेस हमें बता सकते हो थोड़ा सा? 50/2 हाजरा रोड, कोलकाता 19, वेरी नेक्स्ट टू लॉ कॉलेज। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया है? इट इज कम्प्लीटली मेक इन इंडिया, हमारे सारे प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। आप अभी कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? हयासा। ये जो प्रोडक्ट है ये ERI अप्रूव है और ICAT अप्रूव है? ERI ARAI अप्रूव भी है और ICAT अप्रूव भी है।
आपके पास जो प्रोडक्ट है वो लिथियम आयन बैटरी में है और लीड एसिड बैटरी में? ओनली लिथियम आयन बैटरी A++। सर इस गाड़ी का आप गारंटी वारंटी हमें बता सकते हो? यस, हमारी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 साल की वारंटी या 30,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, एंड इट इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी विद इंक्लूडिंग बैटरी। इसका अगर कुछ खराब हो जाए तो हमें सर्विस कहाँ से मिलेगा? सर्विस हमारा यही आपका ये हर शोरूम के साथ, हम जितने भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनाए अपॉइंट किए उसके साथ सर्विस स्टेशन भी साथ में ही है। इस गाड़ी को खरीदने से पहले अगर कोई टेस्ट ड्राइव मांगे तो पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। कोई भी टेस्ट ड्राइव हम या तो शोरूम में आके ले सकते हैं या तो हमको वेबसाइट से वो लीड मिलता है तो हम घर जाके भी उनको टेस्ट ड्राइव ऑफर कर सकते हैं। मतलब फोन करके अगर कोई बोले आप घर पे ये गाड़ी लेके जाओ तो आप उधर लेके जाके ऐसे टेस्ट ड्राइव? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है? नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस, नो PUC रिक्वायर्ड, नो हेलमेट रिक्वायर्ड। खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा आपको? नो, नॉट एट ऑल, ओनली बिलिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। बिल बनाने के लिए हमको आधार कार्ड पैन कार्ड का जरूरत पड़ता है। गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है इस गाड़ी को? नो, ये लो स्पीड गाड़ियां हैं, इसमें गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप गाड़ी में इंश्योरेंस देते हो? इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है इसमें, एज अ मैंडेट। अगर कोई कस्टमर, जैसे हम हमारा पर्सनल इंश्योरेंस करते हैं वैसे ही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कोई करना चाहेगा तो अपना स्कूटर को खुद अपना इंश्योर कर सकता है। इस स्कूटर का टॉप स्पीड, माइलेज एंड चार्जिंग टाइम क्या होगा? टॉप स्पीड इसका 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर टॉप स्पीड होगा और रेंज होगा 90 किलोमीटर स्कूटर्स का। और चार्जिंग होने में टाइम कितना लगेगा सर? चार्जिंग होने में 3.5 घंटा, 3 से 3.5 घंटा टाइम लगता है। सर अगर ये वीडियो देखिए कोई सब डीलर या फिर डीलरशिप लेना चाहे तो वो पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स, अभी फिलहाल हमारे पास 160 डीलर पैन इंडिया है एंड वी वांट टू इंक्रीज इट टू 500 डीलर्स। तो कोई डीलर ले सकता है, डीलरशिप ले सकता है। डीलरशिप लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके 400 से 500 स्क्वायर फीट की स्पेस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए शोरूम स्पेस की। तो हम 2 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके हम डीलरशिप दे सकते हैं और वो बिजनेस जो है 40 स्कूटर या 20 स्कूटर से स्टार्ट कर सकता है। अगर आप इससे ज्यादा डिटेल डीलरशिप लेने के लिए कुछ चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए, वहां पे मेरे को कॉल कर लीजिए। आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड ऑफर मोर। इस गाड़ी को हम लोग EMI में ले सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हमारा फैक्ट एज अ हयासा वी ऑलरेडी हैव अ टाई अप विद बजाज फिनसर्व, लोन टैप, जेस्ट मनी, IDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया। ये सब बैंकों से आपका जो है आपका फाइनेंस हो जाएगा। और हर डीलर को हम ये वाला पाइन लैब्स का एक मशीन देते हैं। इस मशीन में आपको जस्ट कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स डालना है, जो भी बैंक से अप्रूवल आना है वो इंस्टेंटली आपको जो डाउन पेमेंट देना होगा वो डिसाइड हो जाएगा। लोन अमाउंट जो अप्रूव होगा वो सिबिल चेक करके बता देगा कितना लोन अमाउंट अप्रूव हो सकता है। अगर कोई EMI में लेना चाहे तो डाउन पेमेंट कितना करना होगा? ये डिपेंड करता है कस्टमर की सिबिल पे। वो जब हम पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स इनपुट करेंगे तो सिबिल से चेक करके वो एक अमाउंट दे देगा कि इस पर्सन को इतना लोन अमाउंट मिल सकता है। तो उतना लोन अमाउंट, जैसे एक स्कूटर 80,000 का है, अगर उसको 50,000 अप्रूव हो गया तो 30,000 उसका डाउन पेमेंट होगा। और 50,000 कैन बी इन डिफरेंट मोड्स, इट कैन बी पेड इन 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या 36 मंथ्स, इट डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर विच द कस्टमर इज चूजिंग। सर आप थोड़ा सा स्कूटर का प्राइस हमें बता सकते हो? स्कूटर का प्राइस, जैसे हमारा निर्भर जो मॉडल जो आपने स्टार्टिंग में देखा था उसका प्राइस अराउंड 69,000 के आसपास पड़ जाता है ऑन रोड, और कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ नहीं लगता उसमें। उसके ऊपर जो है हमारा दक्षा मॉडल है जो अराउंड 77,000 प्लस का है, और उसके ऊपर ईरा मॉडल है जिसका 80,500 है, और उसके ऊपर आपका ओजस है जो 84,800 का है। ये रेंज है प्राइस का। और जो हमारा विजय 2000 जो बाइक है वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आपका 1,35,000 to 1,40,000 पड़ेगा, विच इज विथ रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, नो PUC। ओके दोस्तों, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो 25 मई 2022 में है। इन फ्यूचर इसका प्राइस अप डाउन भी हो सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मिल जाएगा आप उस पर कॉल करके भी अभी रिसेंट जो प्राइस चला है उसके बारे में पूछ सकते हो। तो अभी हमने शोरूम से गाड़ी को निकाल लिया है और ये शोरूम आपको मैं वीडियो के बिगिनिंग में भी दिखा दिया था। तो अभी इस रोड पे या फिर इस रोड पे कहीं पे चलेंगे और इस गाड़ी का हम लोग एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो मैं गाड़ी के डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ आपको। सो इसमें 3 मोड है, 1, 2, 3। पहले हम लोग एक मोड पे चलेंगे, फिर 2, फिर 3। तो जितना भी टॉप स्पीड है आपको दिख जाएगा। सो अभी हम लोग फर्स्ट गियर पे हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो 23 इसका टॉप स्पीड है। ओ धीरे, मैं वो पीछे बैठा हुआ गिर जाऊँ, मैं एक्चुअली खड़ा हुआ वो दोस्तों, तो इधर बैठूंगा तो आप देख सकते हो, इधर बैठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा लिटरली, मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा इसलिए खड़ा होकर शूट करना पड़ रहा है। तो अभी सेकंड मोड पे है। सो मैं बैठ के भी एक बार बोलता हूँ भैया को थोड़ा सा स्पीड खींचने के लिए, देखते हैं कितना लेते हैं। ओके मैं बैठ गया हूँ।
तो चलाइए देखते हैं। तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, रोड से आप चल भी नहीं पाएंगे इसमें। जितना भी आप जब इस टाइम देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी 31 का टॉप स्पीड दिखा रहा है, 41। बाकी काफ़ी सारी गाड़ियों को हम लोग पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं, तो हम लोग इधर से यूटर्न लेंगे सामने से। सो हमने दो मोड तो कवर कर लिया था, अभी हम लोग थर्ड मोड पे हैं। सो देखते कितना टॉप स्पीड। रोड थोड़ा सा ही खाली है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये अभी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 30-31 के आसपास है। दोस्तों ये गाड़ी के बारे में जितना डिटेल्स था मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। अगर उसके बाद भी आपको कुछ मिसिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप उधर से चेक कर लेना। और इन फ्यूचर अगर ये बाइक का भी वीडियो मुझे बनाने का मौका मिला तो मैं बना दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।